बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम प्रोफेसर आबिद उमर फ्रॉम ग्रिप इंस्टीट्यूट मुल्तान। आज बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट यूनिट जो है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है बायो एनर्जेटिक्स का। थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है। आपने बड़े गौर से जो है वो मेरे लेक्चर को जो है बेटा सुनना है। चले मैं इसको स्टार्ट करने लगा हूँ। इसके अंदर सबसे पहला जो पार्ट हम करेंगे वो प्लांट वाला पार्ट है, फोटोसिंथेसिस जो है बेटा उसको हम स्टडी करेंगे। आप जानते हो कि फोटोसिंथेसिस के अंदर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है बेटा एज अ रिएक्टेंट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। इसके अंदर ये जो है बेटा वो नेट यूजेज लिखा हुआ है। असल में यहां पर 12 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, 12 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, जिसमें से एट द एंड क्योंकि 6 रिलीज हो जाते हैं, इस वजह से नेट यूजेज के तौर पर यहां पर 6 लिखा जाता है, अदरवाइज 12 इस्तेमाल होते हैं। आप अगर चैप्टर नंबर 11 के सेकंड पेज पे जहां कंपनसेशन पॉइंट लिखा है उसके अगर पहले पैराग्राफ को रीड करें तो आपको मेरी बात की तस्दीक आपको मिल जाएगी, वेरिफिकेशन आपको मिल जाएगी। अच्छा, 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 6 वाटर मॉलिक्यूल जो है बेटा वो यूज होते हैं और ग्लूकोज जो है ये डेवलप हो जाता है। इस दौरान लाइट एनर्जी जो है बेटा वो इस्तेमाल होती है। इस लाइट एनर्जी को बेसिकली लाइट एनर्जी डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं होती, इस लाइट एनर्जी को पहले केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है और वो केमिकल्स फिर यूज होते हैं फॉर द रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये किस तरीके से होता है ये सारी बातें जो है वो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फोटोसिंथेसिस को डिटेल से पढ़ने से पहले हम ये पढ़ेंगे कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स का इसके अंदर क्या रोल होता है। ठीक है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट बेसिकली जैसे अभी मैंने कहा कि ये लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में, और वो केमिकल एनर्जी बेसिकली एटीपी और एनएडीपीएच की शक्ल में होती है। ठीक है ना, तो बेसिकली फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर कन्वर्टर्स, ये कन्वर्ट करते हैं लाइट को एटीपी और एनएडीपीएच के अंदर। अब हमारे पास नेचर में बहुत सारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाए जाते हैं, हम मोस्टली उनको ही डिस्कस करेंगे जो हमारी बुक के अंदर गिवन है। इसमें क्लोरोफिल ए, कैरोटीनाइड्स और ज़ैंथोफाइल्स हैं। अब यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जानने के लिए बेटे कि लाइट जो इनके ऊपर पड़ती है इनमें बेसिकली दो तरह के कलर्स आपने याद करने। एक वो कलर है जो इनका अपना है, मतलब फर्ज कर लें जो क्लोरोफिल ए है ये ग्रीन कलर का होता है, कैरोटीनाइड का अपना कलर ऑरेंज टू रेड होता है, और ज़ैंथोफाइल दिखने में येलो होते हैं। ठीक है ना, और एक लाइट का वो पार्ट होता है जो ये एब्सॉर्ब करते हैं। व्हाइट लाइट जब किसी भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पर पड़ती है तो दो काम होते हैं उसके साथ, कुछ लाइट का हिस्सा वो जज्ब कर लेता है और कुछ लाइट का हिस्सा वो रिफ्लेक्ट कर देता है। जो भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जिस कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा उसका ओरिजिनली कलर आपको वैसा ही, मसलन ज़ैंथोफाइल्स है, ज़ैंथोफाइल आपको येलो क्यों दिखाई देता है, ज़ैंथोफाइल आपको येलो इस वजह से दिखाई देता है क्योंकि ये येलो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। येलो लाइट को क्या करेगा, ये रिफ्लेक्ट करता है। इसी तरह जो कैरोटीनाइड होते हैं ये ऑरेंज टू रेड को जो है बेटा, ऑरेंज टू रेड जो शेड होगा उसको जो है ये रिफ्लेक्ट कर देंगे, इसीलिए इनका कलर रेड जो है बेटा ऑरेंज टू रेड दिखाई देता है। क्लोरोफिल आपको ग्रीन इस वजह से दिखाई देता है क्योंकि ये ग्रीन को छोड़ के बाकी सारी लाइट जज्ब कर जाता है। इसी तरह मैं आपको एक और बात बताता हूं, ब्लैक कलर आपको ब्लैक इस वजह से दिखाई देता है क्योंकि ब्लैक कलर सारी लाइट एब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं करता, जबकि व्हाइट कलर आपको व्हाइट इस वजह से दिखाई देता है क्योंकि व्हाइट कलर कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं करता, सब कुछ रिफ्लेक्ट कर देता है, ट्रांसमिट कर देता है, तो दैट्स व्हाई वो व्हाइट जो है वो दिखाई देता है। ये बातें मेरा ख्याल अब आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। चले आगे मूव कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट जो है, जैसे अभी मैं बात कर रहा था इनके कलर्स को लेके, आप देख रहे हो बेटा क्लोरोफिल ए जो होता है ये ब्लूइश ग्रीन होता है और क्लोरोफिल बी जो होता है ये येलोइश ग्रीन, मतलब इनमें ब्लू और येलोइश शेड होंगे, असल कलर इनका ग्रीन ही होता है, तो ये बात भी आपने याद रखनी है। इसी तरह ज़ैंथोफाइल येलो कलर होते हैं, कैरोटीन जो होते हैं बेटा ये ऑरेंज रेड, अभी हमने पढ़ा कैरोटीनाइड्स, जबकि फाइटोफाइटिन जो है ये ग्रे पिगमेंट है, क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। चल आगे मूव करते हैं नेक्स्ट। अब देखिए, जैसे अभी हमने लाइट की बात की कि क्लोरोफिल एक स्पेसिफिक लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है और एक स्पेसिफिक लाइट का हिस्सा वो रिफ्लेक्ट भी कर रहा है, तो बेटा हमें जो लाइट दिखाई देती है, मतलब लाइट की वो वेवलेंथ जो हमें नजर आती है उस वेवलेंथ को आप विजिबल लाइट का नाम देते हो। क्या नाम दोगे, ये यहां पर मैंने मेंशन भी किया हुआ, दिस विल कॉल द विजिबल लाइट। और इसकी जो वेवलेंथ होती है वो जो है बेटा वो 380 to 750 होती है। अब ये नहीं है कि इनके अलावा लाइट नहीं है, इनके अलावा भी बहुत सारी रेंज है, इंफ्रा रेड रेंज है, अल्ट्रा वायलेट रेंज है, एक्स रेंज है, आपने ये पढ़ी हुई है केमिस्ट्री के अंदर कि इनके अलावा भी बहुत सारी किस्म की लाइट्स हैं, बट वो आपको दिखाई नहीं देती क्योंकि वो आपके विजिबल रेंज के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती।
तो प्लांट में भी जो है बेटा ये प्रॉपर्टी है कि ये भी सिर्फ विजिबल रेंज में जो लाइट होती है उसी लाइट में से कुछ हिस्सा ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बाकी लाइट को ये एब्जॉर्ब नहीं करते। अच्छा, यहां पे लिखा हुआ है कि क्लोरोफिल जो है ना वो मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। ये क्यों है ये बात भी मैं आपको बताऊंगा आज के लेक्चर में ही कि क्यों क्लोरोफिल जो है बेटा वो मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, बाकी चीजें नहीं, क्यों नहीं है। अब यहां पर लिखा हुआ है कि क्लोरोफिल जो होता है ना, क्लोरोफिल देखें बेटा, क्लोरोफिल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है, इसमें कार्बन की एक लंबी चेन होती है। आपने फाइटोल के बारे में पढ़ा होगा, फाइटोल की वजह से ये ऑर्गेनिक नेचर, क्योंकि फाइटोल एक हाइड्रोकार्बन चेन होती है, फाइटोल इसकी टेल होती है क्लोरोफिल की, तो हाइड्रोकार्बन चेन की वजह से ये ऑर्गेनिक नेचर का होता है। ऑर्गेनिक नेचर होने की वजह से ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये हल हो जाता है, वाटर में ये इनसोलेबल होता है। ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, ये आपको अपने जहन में रखनी है कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड है, जैसे जो है अदर और जैसे बेंजीन है, क्लोरोफॉर्म और इथर है, उसके अंदर ये सोलेबल होता है। और फाइटोल टेल उसकी मेन रीजन है, ठीक है ना, उसका हेड नहीं है, हेड इसका हाइड्रोफिलिक होता है, बट टेल हावी होती है जिसकी वजह से जो है बेटा ये वाटर इनसोलेबल बन जाता है ओवरऑल मॉलिक्यूल, ठीक है ना। आगे चलेंगे, अब क्लोरोफिल बहुत सारे एग्जाम के, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और क्लोरोफिल सी एज वेल एज डी, बट ए और बी दैट विल बी द मोर सिग्निफिकेंट क्लोरोफिल, जो मोस्टली जो है बेटा वो प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। अब यहां पे लिखा हुआ है कि बैक्टीरिया में भी क्लोरोफिल होता है, उसको बैक्टेरियो क्लोरोफिल कहा जाता है। बैक्टीरिया में बेसिकली क्लोरोप्लास्ट नहीं होता बट क्लोरोफिल पाया जाता है, उसको बैक्टेरियो क्लोरोफिल जो है बेटा वो कहा जाता है। अब क्लोरोफिल लाइट के किस हिस्से को एब्जॉर्ब करता है ये बात हमने डिस्कस करनी है। क्लोरोफिल बेटा एब्जॉर्ब करता है वायलेट ब्लू रेंज को और ऑरेंज रेड को, ठीक है ना, ये दो कलर जो है ये सिग्निफिकेंटली जो है ये एब्जॉर्ब करता है, जबकि जो ग्रीन, येलो और इंडिगो जो कलर होता है ये तीन कलर ऐसे हैं जिनको ये एब्जॉर्ब नहीं करता। यही वजह कि आपको पौधा पहले ग्रीन, अगर ग्रीन को हटा दे तो फिर आपको वो येलो दिखाई देता है, क्योंकि येलो कलर को भी वो एब्जॉर्ब नहीं कर रहा। ये लीस्ट एब्जॉर्ब होती हैं, ये ट्रांसमिट हो जाती हैं या ये रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, ठीक हो गया। चल अब आ जाते हैं हम क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर के ऊपर, आपको स्ट्रक्चर जो है बेटा वो दिखाई दे रहा होगा, ठीक हो गया। अब ये वाला जो पार्ट है ना, देखो यहां पर मेंशन किया हुआ, दिस विल कॉल द पोर फायरिंग, ये इसका हेड है, ये इसका क्या है, ये इसका हेड मॉलिक्यूल है, जबकि ये जो आपको दिखाई दे रहा है दिस विल कॉल द हाइड्रोकार्बन टेल। मैंने इसका नाम भी आपको बताया था, इसको फाइटोल कहा जाता है। जैसे हेड को पोर फायरिन कहा जाता है, ऐसे ही इसकी टेल को जो है बेटा वो हेड कहा जाता है। इसके अंदर कार्बन की तादाद 20 जबकि हाइड्रोजन की तादाद जो होती है वो 39 होती है, ये बेटे आपने याद रखना है। फिर हेड की स्पेशलिटी बता देता हूं कि हेड के अंदर जो है बेटा सेंटर में एक मैग्नीशियम एटम होता है। ये यहां पर आप देखो ना, दो परमानेंट बॉन्ड है, दो टेम्परेरी बॉन्ड है, वैलेंसी सेटिस्फाइड है, मैग्नीशियम दो वैलेंसी होती है इसके, इसलिए परमानेंट बॉन्ड जो है वो दो ही है। इसके अंदर चार पायरोल रिंग होते हैं, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री एंड नंबर फोर पायरोल रिंग्स होते हैं इसके अंदर ना। ये जो नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग होता है बेटा ये पायरोल रिंग है, चार होते हैं, ये कुछ यूं होता है, फाइव कॉर्नर नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग होता है, दिस विल कॉल द पायरोल रिंग। इनकी तादाद चार होती है, चार होते हैं, और ये इसके नाइट्रोजन जो है वो मैग्नीशियम के साथ कोऑर्डिनेटेड अटैचमेंट होती है इनकी। लेकिन जो टोटल नंबर ऑफ रिंग्स होते हैं ना बेटा वो पांच होते हैं, ये पांचवा रिंग है, बाकी रिंग्स नहीं है। देखो ना यहां पर ये टेम्परेरी बॉन्ड है तो ये भी रिंग नहीं है, तो रिंग्स नहीं है बाकी, ठीक है ना। रिंग्स जो है वो टोटल फाइव रिंग्स जो है बेटा वो इसके अंदर स्ट्रक्चर के अंदर पाए जाते हैं। मैं बात आपको ये इसलिए बता रहा हूं कि ये वो एरियाज है जहां से एमसीक्यूज पूछा जा सकता है, आपको इसका आइडिया होना चाहिए। फिर जो पोर फायरिंग रिंग के ऊपर ये जो आर, आपको साइड चेन आप इसको बोल सकते हो, दिस विल बी अ साइड चेन। तो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के केस में ये थोड़ा सा वैरी करता है। क्लोरोफिल ए के केस में ये मिथाइल ग्रुप होता है और क्लोरोफिल बी के केस में ये एल्डिहाइड ग्रुप होता है, या इसको सिंपल कार्बोनिल ग्रुप कहा जाता है। तो ये क्लोरोफिल बी के केस में जो है ये कार्बोनिल ग्रुप होता है और क्लोरोफिल ए के केस में जो है ये मिथाइल ग्रुप होता है, ये बात आपको याद रखनी है। और जो पहला नाइट जो पायरोल रिंग होता है उसके ऊपर जो है वो इसकी साइड चेन होती है। फाइटोल के बारे में मैं आपको बता दूं, अब थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं इसके फंक्शन को लेकर, फिर मैं इसके डिफरेंस भी आपको बताता हूं। देखो बेटा, हेड का काम है, हेड जो होता है ये लाइट एब्जॉर्ब, हेड जो होता है ये लाइट एब्जॉर्बिंग पार्ट है, हेड विल बी अ लाइट एब्जॉर्बिंग पार्ट, मेन फंक्शन इसी का ही है कि ये लाइट को एब्जॉर्ब करता है, लाइट एब्जॉर्बिंग पार्ट है। इसी तरह जो फाइटोल है,
ये बेटा फिक्सिंग का काम करता है। क्या मतलब होता है फिक्सिंग से? फिक्सिंग से मुराद ये होता है कि जो थैलाकाइड की जो सरफस होती है ना, क्लोरोफिल को उसके ऊपर फिक्स करने की जो जिम्मेदारी है वो इसी फाइटोल रिंग टेल की होती है, ठीक है ना। दैट विल हेल्प इन द अटैचमेंट ऑफ द क्लोरोफिल विद द सरफेस ऑफ थैलाकाइड। ये फाइटोल का काम है। फाइटोल का काम लाइट एब्जॉर्ब करना नहीं है, फाइटोल लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करती। फाइट पोर फायरिंग रिंग का काम होता है कि वो लाइट को जो है बेटा वो एब्जॉर्ब करती है। ठीक हो गया। चल अब यहां इस टेबल के अंदर जो है बेटा मैंने दोनों का डिफरेंस बताया। देखें इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इसमें सिर्फ दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का फर्क होता है। देखें यहां पर हाइड्रोजन जो है बेटा वो 72 है, यहां पर 5 है। यहां हाइड्रोजन जो है बेटा वो कितने हैं? 70 है और 6 है, ठीक है ना। अब फर्ज कर लो यहीं से एक एमसीक्यू आ जाता है कि आप ना हमें पोर फायरिंग रिंग का मॉलिक्यूलर फार्मूला बताएं। कैसे बताएंगे? से आपको क्लोरोफिल ए का कहा जाता है तो कैसे बताएंगे? देखो आप जानते हो कि फाइटोल, इसके अंदर कार्बन 55 है और हाइड्रोजन 72 है, ठीक है ना। आपको पता है कि फाइटोल में 20 होते हैं और 39 होते हैं, तो इनमें से निकाल लें। ये बनेंगे 3 3, यानी हाइड्रोजन कितने होंगे? 33 हाइड्रोजन बन जाएंगे, ठीक हो गया। इसी तरह अगर आप यहां पर कार्बन निकालोगे तो बेटा वो निकलेंगे 35। मतलब पोर फायरिंग रिंग के अंदर 35 कार्बन होंगे और हाइड्रोजन की तादाद 39 होगी। वो फाइटोल से आप माइनस कर रहे हैं, आपको निकल आएगा, ठीक हो गया। यहां पर क्योंकि मिथाइल ग्रुप होता है इसलिए दो हाइड्रोजन ज्यादा है, यहां एल्डिहाइड ग्रुप होता है, कार्बोनिल ग्रुप होता है इसलिए एक ऑक्सीजन ज्यादा है, दो हाइड्रोजन कम है। यहां से कंपेरिजन ही कार्बन बराबर है। आप देखो ना यहां कार्बन, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम, ये एटम दोनों में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में बराबर है। ये सब में पाया जाता है, इवन बैक्टीरिया में भी पाया जाता है, ये भी ग्रीन प्लांट्स और मोस्टली जगहों पर पाया जाता है। आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, क्लोरोफिल बी इज अ एक्सेसरी पिगमेंट, ये हेल्पर है, ये मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं है। क्लोरोफिल ए जो होता है दैट विल बी द मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, ये बात आपको याद रखनी है। असल में क्लोरोफिल किसी फिक्स वेवलेंथ को एब्जॉर्ब नहीं करता, ये रेंज को एब्जॉर्ब करता है जो 730 से स्टार्ट होती है और 700 नैनोमीटर तक जो है बेटा ये जाती है। इसकी कोई खास फिक्सेशन नहीं है, ये रेंज है ये भी, जो कि मैं आपको आगे चल के बताता हूं। इनके कलर्स मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं कि ये जो है बेटा ये ब्लू कलर में होता है क्लोरोफिल ए, और क्लोरोफिल बी जो होता है वो येलो ग्रीन कलर के अंदर होता है। चल अब देखें, जैसे हम बात कर रहे थे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की, तो कुछ होते हैं एक्सेसरी पिगमेंट और कुछ होते हैं मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है वो आपको मैं बता चुका हूं वो क्लोरोफिल ए है। अब एक्सेसरी पिगमेंट क्या करते हैं? बेसिकली जितने भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं जिसमें जो है बेटा वो क्लोरोफिल ए भी और तमाम एक्सेसरी पिगमेंट्स भी, ये सारे मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं। इस सिस्टम को कहा जाता है फोटोसिस्टम। क्या बोलेंगे आप? बोलोगे फोटोसिस्टम। ये आपको एक फोटोसिस्टम बुक में भी इसकी डायग्राम गिवन है, ये आपको एक फोटोसिस्टम दिखाई दे रहा है। इस फोटोसिस्टम के बेसिकली दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है उसको कहते हैं एंटीना कॉम्प्लेक्स। ठीक हो गया। जबकि दूसरा पार्ट जो होता है वो पार्ट कहलाता है रिएक्शन सेंटर। ये आपको डायग्राम में भी दिखाई दे रहा है। एंटीना कॉम्प्लेक्स के अंदर या एंटीना पिगमेंट के अंदर सारे एक्सेसरी पिगमेंट प्लस क्लोरोफिल ए भी होता है, ठीक है ना। एक्सेसरी पिगमेंट प्लस क्लोरोफिल एंटीना पिगमेंट में सब होंगे। ये लाइट एब्जॉर्बिंग पार्ट होता है एंटीना पिगमेंट। इसका काम सिर्फ लाइट को जज्ब करना है, क्योंकि क्लोरोफिल ए सारी लाइट की रेंज को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, तो उसको एक्सेसरी पिगमेंट की हेल्प चाहिए होती है। एक्सेसरी पिगमेंट इसको वो वाली लाइट भी एब्जॉर्ब करके देते हैं जिसको क्लोरोफिल खुद एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। तो इस तरह जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होती है वो इंक्रीज हो जाती है, ज्यादा लाइट जो है बेटा वो एब्जॉर्ब होती है। अब मेन बात पर आता हूं कि क्यों क्लोरोफिल ए दैट विल बी द मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। क्लोरोफिल ए मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट बेटे इस वजह से है क्योंकि क्लोरोफिल ए रिएक्शन सेंटर का हिस्सा, सिर्फ क्लोरोफिल ए है। लाइट कन्वर्टिंग कन्वर्जन का जब वर्क आता है, लाइट को केमिकल एनर्जी में जब कन्वर्ट करने की जिम्मेदारी आती है, तो वो सिर्फ रिएक्शन सेंटर करता है। और रिएक्शन सेंटर में सिर्फ क्लोरोफिल ए होता है, कोई एक्सेसरी पिगमेंट नहीं होता है, ठीक है ना। तो दैट्स व्हाई क्लोरोफिल ए इज द मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। एक्सेसरी पिगमेंट्स में से जो कैरोटीनॉइड्स होते हैं बेटा वो हमारी आईज में भी पाए जाते हैं, जो कि इंटेंस लाइट जो होती है, जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होती है, उनसे हमें बचाते हैं। कैरोटीनॉइड्स जो होते हैं ना, ये बेटा हमारी आईज में भी पाए जाते हैं।
कैरोटीनाइड जो लाइट एब्जॉर्ब करते हैं वो क्लोरोफिल बी को दे देते हैं, और क्लोरोफिल बी अपनी भी और कैरोटीनाइड की लाइट भी इकट्ठी करके सारी क्लोरोफिल ए को दे देता है, क्योंकि एसेसरी पिगमेंट है और एसेसरी पिगमेंट का यही काम होता है। फिर यहां पर आपको एक आला दिखाई दे रहा है बेटा, दिस विल बी अ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। स्पेक्ट्रो का बेसिकली लफ्जी मतलब होता है ग्राफ, फोटो बोलते हैं लाइट को, ठीक हो गया, और मीटर होता है एक कैलकुलेशन जो है बेटा वो इसके की जाती है। अच्छा, ये इसका बेसिकली काम होता है कि ये आपको ये बताता है कि कौन सा सब्सटेंस कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब करता है और कौन सी लाइट को वो रिफ्लेक्ट करता है, ये आंसर आपको ये देता है, लेकिन अपना रिजल्ट ये देता है ग्राफ की शक्ल में। तो डेट्स वाई इसके लिए लव आपने इस्तेमाल किया स्पेक्ट्रो का। ये कैसे करता है, दो तरह के ग्राफ आपकी बुक में डिस्कस है। सबसे पहला जो होता है बेटा उसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, क्या बोलेंगे उसको, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बोलेंगे। इसी तरह ये जो होता है ना इसको बोला जाता है एक्शन स्पेक्ट्रम या स्पेक्ट्रा बोल रहे हैं आप, ठीक हो गया। अच्छा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा आपको क्या बताता है, ये बताता है कि डिफरेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन कौन सी वेवलेंथ ऑफ द लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ये रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन के बारे में बताता है, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन के बारे में बताता है। जबकि एक्शन स्पेक्ट्रा आपको रिलेटिव रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में बताता है कि किस लाइट के ऊपर फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होती है और किस लाइट के ऊपर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम है। पहले हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को डिस्कस कर लेते हैं। देखो बेटा नीचे यहां पर वेवलेंथ की बना है, तो अब आप नोट करें कि ये जो क्लोरोफिल ए है इसके अंदर ग्राफ में बेसिकली दो चीजें होती है, एक होती है पीक और एक होती है वैली। पीक शो करते हैं कि ये इस वेवलेंथ को मैक्सिमम जज करें, आप देखें ना इसकी पीक तकरीबन जो है वो आप लगा लें 420 या 430, इसकी पीक आप लगा लें देखें ये तकरीबन 450 पर आती है, इसकी पीक आप लगा लें कैरोटीनाइड की बेटा ये तकरीबन 470 पर आती है, ठीक है ना। फिर यहां पर आप एक पीक लगा लें तो चले जी 630 या 640 लगा लें, यहां पर ये पीक आप लगा लें चले जी इसको 670 लगा लें, ठीक है ना। तो पीक्स इंडिकेट करते हैं कि कौन सा किस वेवलेंथ को मैक्सिमम जज्ब कर रहा है। देखिए बेटा क्लोरोफिल बी जो है आप देख रहे हो 450 को ज्यादा जज्ब कर रहा है, क्लोरोफिल ए 420 को कर रहा है, क्लोरोफिल जो कैरोटीनाइड है ये 470 को, हर एक डिफरेंट डिफरेंट को कर रहा है। पीक इंडी वैली वाला पार्ट इंडिकेट कर रहा है कि ये वाली वेवलेंथ ये एब्जॉर्ब नहीं कर रहे या बहुत ही कम कर रहे। अब आ जाते हैं हम एक्शन स्पेक्ट्रम के ऊपर। एक्शन स्पेक्ट्रम बेटे आपको ये बताता है कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कहां ज्यादा हो रही है। आप देख रहे हो ना कि ये वो एरिया है, यानी ये जो है वायलेट से शुरू होके जो है बेटा ये ब्लू जहां पर खत्म हो रहा है, ब्लू कलर जहां पर खत्म हो रहा है वहां तक फोटोसेंसिस जो है वो मैक्सिमम है। ब्लू वाला एरिया सेंटर में, यानी ब्लू के अंदर रेट ऑफ फोटोसेंसिस मैक्सिमम, और यहां पर जो है बेटा वो रेड में आपको ज्यादा पीक दिखाई दे रही है, तो रेड एरिया में ज्यादा, ये आपको इसमें भी दिखाई दे रही है कि रेड में और बेटा ब्लू रेंज के अंदर जो है वो फोटोसेंथेसिस जो है वो मैक्सिमम है। लेकिन दोनों ग्राफ का डिफरेंस भी हमने डिस्कस करना है, वो क्या है जरा गौर कीजिएगा। आप नोट करें कि एक सी जो पीक है वो ब्रॉड है जबकि इसकी जो पीक है ना वो नैरो है। ऐसा क्यों है, नैरो का मतलब है पतली है, देखो ना कितनी पतली है ये, बहुत पतली है जबकि ये तो बहुत ब्रॉड है, ऐसा क्यों है बेटा। ऐसा इस वजह से क्योंकि इसमें आप एज अ होल तीनों पिगमेंट को एक ही वक्त में डिस्कस कर रहे हैं, तो जब आप तीनों पिगमेंट को बेटे जब एक ही वक्त में डिस्कस करोगे तो आप देख सकते हो कि यहां पर अगर आप ये तीनों पीक्स को मिला दें तो देख लें ये ब्रॉड हो जानी है ना, ये देख लेंगे ब्रॉड हो जानी है, तो ये भी ऐसी ब्रॉड हुई है कि तीनों को मिला और यहां इन दोनों को मिलाओ तो देख लो ये पीक इनके बराबर आ रही है, ये ब्रॉड। इस वजह वैली भी एक्स एक्सिस को ज्यादा टच नहीं कर रही क्योंकि यहां पर भी कुछ ना कुछ लाइट एब्सॉर्ब हो रही है, तो ये एक छोटा सा डिफरेंस था दोनों ग्राफ का। एक और बात आपने नोट करनी है, आप नोट करें जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है ना ये ग्राफ ऊपर है, ये ग्राफ थोड़ा सा नीचे है, यानी ब्लू रेंज वाला ग्राफ थोड़ा सा ऊपर है, रेड रेंज वाला ग्राफ थोड़ा सा नीचे, मतलब रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन वो बेटा मैक्सिमम है एट ब्लू रेंज, ठीक हो गया। इसी तरह जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है बेटे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस दिस विल बी मैक्सिमम एट रेड रेंज। अब ये क्यों है, क्वेश्चन रेज होता है ना, मैंने कहा कि
ग्राफ से शो हो रहा है कि एब्जॉर्प्शन तो ब्लू में ज्यादा हो रही है क्योंकि ब्लू की पीक ऊपर है, रेड की पीक थोड़ी नीचे है। ऐसा क्यों है? ऐसा इस वजह से बेटा क्योंकि ब्लू रेंज के अंदर कैरोटीनॉइड भी पाया जाता है। ब्लू रेंज में क्लोरोफिल ए भी है, क्लोरोफिल बी भी है और कैरोटीनॉइड भी है। आप देख लो ये कैरोटीनॉइड सिर्फ ब्लू रेंज में, जिसकी वजह से इसकी रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ गई, यानी इसकी वजह है कैरोटीनॉइड। रेड रेंज में कैरोटीनॉइड नहीं है इसलिए रेड रेंज की एब्जॉर्प्शन कम है। लेकिन ये बात जो है कि जब आप इक्वल इंटेंसिटी ऑफ लाइट यूज करते हैं तो फिर रेड में फोटोसिंथेसिस क्यों ज्यादा है जब एब्जॉर्प्शन कम है? तो बेटा आप देखते हो कि मैंने आपको एक बात बताई थी कि कैरोटीनॉइड से लाइट शिफ्ट होते हैं क्लोरोफिल बी को, क्लोरोफिल बी से फिर क्लोरोफिल ए में। तो ये जिस दौरान शिफ्टिंग हो रही होती है ना लाइट की फ्रॉम कैरोटीनॉइड टू क्लोरोफिल बी देन क्लोरोफिल बी टू ए, तो बेटा इस शिफ्टिंग के दौरान बहुत सारी लाइट जो है वो वेस्ट हो जाती है। रेड रेंज में लाइट मैक्सिमम यूज होती है, वेस्ट नहीं होती। ब्लू रेंज वाली बहुत सारी लाइट कैरोटीनॉइड की वजह से ही वेस्ट होती है। वेस्ट हो जाने की वजह से एब्जॉर्प्शन ज्यादा होने के बावजूद भी फोटोसिंथेसिस का जो रेट होता है वो ब्लू रेंज में कम होता है। वजह इसकी भी कैरोटीनॉइड है, ठीक है ना? तो इसकी वजह भी कैरोटीनॉइड है। मेरा ख्याल है मेरी बात या आपको समझ आ गई होगी, ठीक है ना? ये फोटो सिस्टम दिखाया गया, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, ये आपको फोटो सिस्टम दिखाई दे रहा है जिसमें रिएक्शन सेंटर भी है, ठीक है ना? और ये पूरा जो है एंटीना पिगमेंट्स भी है। ये पूरा जो है बेटा ये फोटो सिस्टम की बुक से ली गई डायग्राम है, ठीक है ना? अपनी लाइट इंटेंसिटी को एब्जॉर्ब करने की वेवलेंथ की वजह से ये दो तरह के होता है, वन एंड टू। ये बात अभी मैं अगला जब लाइट रिएक्शन का टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा उसमें बड़ी डिटेल से बताऊंगा। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, एमसीक्यूज आते हैं। ये चैप्टर बड़ा ट्रिकी किस्म का है, ये डिसीजन मेकिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। बहुत सारे बच्चे इस चैप्टर के अंदर एमसीक्यूज को रॉन्ग कर देते हैं। आपने बड़े गौर से इसको सुनना है, तसल्ली से इसको सुनना है, टाइम निकाल के इसकी जो है बेटा वो आपने रीडिंग भी करनी है। और जहां पर आपको किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन आती है तो आपने मुझसे सवाल जरूर पूछना है। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।